नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक जो खबर आ रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बताना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। और आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी का सीएम थे, उन्होंने साफ तौर पर उनके एक्शन की चलते लगातार वही एक्शन जम्मू कश्मीर में भी आपको देखने को मिला, अलग अलग राज्यों में वो एक्शन देखने को मिला। पर वहीं पर अगर बात करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, यानी कि चौंका कर रख दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप पूरे देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। और उन चीजों पर ये जो आदेश आया है वो कहां कहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो एक्शन है और ये जो आदेश है वो जो कि साफ तौर पर सार्वजनिक यानी कि पब्लिक स्ट्रीट पर और जो अवैध तरीके से अनऑथोराइज तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है पब्लिक रोड पर, सड़कों पर या फिर फुटपाथ पर, रेलवे लाइन पर या पब्लिक प्लेस पर, उन पर ये आदेश जो है वो लागू नहीं होगा। और साफ तौर पर बताना चाहेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक हमारी अनुमति के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी, कहीं भी बुलडोजर बाबा नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है तो ये हमारे संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि इसका आदेश सार्वजनिक सड़कों यानी के पब्लिक प्लेसेस और साथ ही साथ स्ट्रीट्स, फुटपाथ और रेलवे लाइन को रोक कर किए गए अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा, जो हमने शुरू से ही आपको कह दिया। वहीं पर उन्होंने कहा कि पीठ ने कहा अगर अवैध ध्वस्तकरण का एक भी उदाहरण है तो ये हमारे संविधान के मूलों के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त किया गया। आप जानते हैं कि जिस तरह से यूपी में भी आपने देखा बुलडोजर बाबा के नाम से जानने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई ऐसे अपराधी जिन अपराधों में शामिल थी उनकी प्रॉपर्टियों को पूरी तरह से डिमोलिश किया गया। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई जिस पर की थी उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में यानी अगर कोई क्रिमिनल जो मामलों में केसेस में मुलविस है उन आरोपियों की संपत्ति को डिमोलिश किया गया, ध्वस्त किया गया। एक भी डिमोलिशन संविधान के खिलाफ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि संपत्तियों के ध्वस्त करने का यानी कि विमर्श गढ़ा जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा आप निश्चिंत रहे भारी शोर हमें प्रभावित नहीं करता है, हम ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर एक भी गैर कानूनी डिमोलिश हो रहा है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम समेत देश के कई अन्य राज्यों में बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं। वहीं पर किसी मामले में आरोपी होने पर ही उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। जमीयत उल उलमा अल हिंद ने याचिका में दावा किया है कि एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट बनाकर उनके घरों को गिराया जा रहा है, फिर चाहे वो दोषी हो या ना हो, आरोप के आधार पर ही डिमोलिशन हो रही है। सरकार को सुनाई खरी खोटी, साथ ही साथ बताना चाहेंगे सरकार को सुनाई खरी गुजरात के एक मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हृषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस यानी एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि किसी शख्स के किसी मामले में यानी महज आरोपी होने पर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। आरोपी दोषी है या नहीं ये तय करना का काम अदालत का है, सरकार का नहीं। यानी साफ तौर पर आपने देखा था पिछले अलग अलग राज्यों में बुलडोजर बाबा काफी तेजी से बढ़ते जा रहे थे, पर साफ तौर पर अदालत ने फिलहाल 1 अक्टूबर तक सुनवाई होगी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देश भर में फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर यानी कि वो बताना चाहेंगे रोक लगा दी है। पर वहां पर रोक नहीं है, ये जो आदेश है जो रोक है उन जगहों पर, उन चीजों पर नहीं होगी जहां पर यानी कि पब्लिक जो कि अनऑथोराइज तरीके से जो कंस्ट्रक्शन की गई है पब्लिक रोड के लिए, गलियों के लिए, फुटपाथ पर
और साथ ही साथ यानी कि रेलवे लाइन पर और पब्लिक प्लेसेस पर, इस पर ये जो आदेश है ये लागू नहीं होगा। अवैध तरीके से अगर पब्लिक प्लेसेस को, फुटपाथ को या गली नालियों को अगर उस पर गैर कानूनी तरीके से उसे यानी कि एनक्रोच किया होगा तो उस पर ये आदेश लागू नहीं होगा। पर कई बार आपने देखा यूपी में ये काफ़ी सारी मिसालें देखने को मिली, काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से कई अगर आपराधिक मामलों में अगर कोई मुलव्वस है तो उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया, अगर कोई आपराधिक मामलों में यानी या उसकी कोई उस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उनकी पूरी तरह से जो उनकी घर गृहस्थी थी उसे उजाड़ दिया गया। तो साफ तौर पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है तब तक यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से लेते हैं, कहते हैं ना नो बॉडी इज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम जो न्यायालय है यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हर एक को मानना होगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर कोई भी फैसला ऐसा होता है उस पर अगर सुनवाई करनी है तो वो कोर्ट का काम नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि सरकार का काम नहीं है। साफ तौर पर ने कहा कि अगर कोई आरोपी होने पर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाएगा और साथ ही साथ उनका आरोपी दोषी है या नहीं है ये तय करना काम सरकार का नहीं बल्कि ऑनरेबल कोर्ट का है। ये साफ तौर पर गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा और खड़ी कोटी सुनाते उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी है उस पर कोई कई आपराधिक मामले हैं तो वो अपराधी है या नहीं है इसका फैसला कोर्ट में होगा और कोर्ट और अदालत इस चीज को तय करेगी। ये काम अदालत का है और ये काम जुडिशरी का है, ये सरकार का काम नहीं है। फिलहाल ये बड़ी खबर है। आपका क्या कहना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।